हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लेकर आए हैं आपके बीच छोटे बच्चे की परेशानी। अभी खास करके जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, वो उनको दिक्कत क्या आती है, रात भर रोएगा, रात भर चिल्लाएगा, रात भर चीखें काटते रहेगा और सुबह होते ही वो आराम से सो जाएगा। तो हम जानते हैं आखिर ये छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यूनेटल जो होते हैं, ये इतनी रोते क्यों हैं? आखिर रोते हैं तो इससे कैसे बचें, कैसे इस चीज़ से क्या दवाई दें जो बच्चे आराम से सो जाए, बच्चे रात में चीखें चिल्लाने की आवाज़ ना करें। अब हम बात करेंगे, चलिए जानते हैं पहले रात में बच्चे रोते हैं तो क्या कारण हो सकता है। तो पहला कारण हो सकता है, आप जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं, जो फीडिंग करवा रहे हैं, या तो आप पिलाते पिलाते उनको ओवर कर देते हैं, ओवर फीडिंग हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में दूध पीने की वजह से वो उल्टी कर देती है, उनकी पेट फुला देता है, पेट में गैस बनने की संभावना रहती है, या फिर कुछ ऐसी माता बहना होती है जो कि बाहर की दूध देते हैं, जो गाय का दूध हो या बकरी का दूध हो या फिर पाउडर फॉर्म में जाती है, वो दूध देने से क्या होती है, छोटे बच्चे वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उनकी जो लीवर होती है, उनकी जो आंत होती है, ठीक से लोड नहीं ले पाती है, तो उस वजह से परेशानी आ सकती है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा, पॉटी ठीक से नहीं होगा, पेशाब ठीक से नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन हो सकता है, या तो आप पाउडर फॉर्म में जो दूध यूज कर रहे हैं उसमें इक्वल मात्रा में जो पानी की मिलावट नहीं हो पाने की वजह से, प्रोटीनियस पार्ट ज़्यादा जाने की वजह से ये आपको परेशानी आती है। अगला कंडीशन हो सकती है, कुछ ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको आप बॉटल से दूध पिला रहे हैं, तो बॉटल जो होती है वो ठीक से सफाई नहीं होती है, यानी कॉन्टामिनेटेड रहने की वजह से भी जो ठीक से उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती। आप बॉटल में दूध पिलाए, फिर नेक्स्ट टाइम भी 5 घंटे 8 घंटे के बाद दे रहे हैं, उसको सही से वॉश नहीं करने की वजह से दे रहे हैं, तो बच्चे हो सकता है पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चे ठीक से पचा नहीं पाते हैं, बच्चे में की तरह का वायरल इन्फेक्शन। दूसरा कंडीशन हो सकती है, आप जो निप्पल का यूज कर रहे हैं उसको ज़्यादा लंबे समय तक यूज ना करें, उसको प्रॉपर से टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, अच्छे से वॉश करते रहें। इस तरह से करने से आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो पेशेंट आके दिक्कत क्या बताएगा बच्चे का, उनकी माँ, मेरे बच्चे जो हैं रात भर सोते नहीं हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं, हमेशा गोद में लेकर लेना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं, चीखते रहता है, चिल्लाते रहते हैं, क्या परेशानी हो गई है? तो इससे बचने के लिए हम क्या ऐसी बेस्ट दवा लें, क्या ऐसी दवा दें जो कि बच्चे रात में ना चिल्लाए, बच्चे आराम से सो जाए, बच्चे की ये सारी तकलीफ आएगी तो क्या इसके लिए बेस्ट दवा होगी? चलिए हम जानते हैं इसके लिए क्या बेस्ट दवा होगी। इसी तरह की नई जानकारी देखने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट दवा आपके होम्योपैथ ने बनाई है जो बार बार बच्चे जो है रात में चीखती हैं, चिल्लाते हैं, रोते रहते हैं, भर रात पूरी रात सोने नहीं देते हैं, अशांति हो रहते हैं, बेचैन रहते हैं, घबराहट सी होती है और आराम से दिन होते ही सुबह होते ही आराम से सो जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट दवा आपके होम्योपैथ ने बनाई है, उसका नाम है क्या, जालापा, यानी जालापा 30 पावर में देना है। कंडीशन आएगा, बच्चे रात भर चिल्लाते रहेगा, सोते रहेगा और सुबह होते ही सो जाएगा और पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, मरोड़न टाइप की होगी, दर्द के साथ होगी, पेट में भटभुट की आवाज़ होगी, रंबलिंग साउंड, ये सारी कंडीशन में जालापा 30 पावर में एक एक बूंद करके थोड़ा सा पानी में, 1 चम्मच पानी में 3 से 4 बार रेगुलर देने से ये सारी समस्या, बच्चे रात में जगना, रात में बेचैनी होना, रात में रोते रहना, ये सारी दिक्कत को ठीक करेगी। इसके साथ एक और दवाई देंगे, जब खास करके उनका GIT डिस्टर्ब हो जाए, यानी आप ज़्यादा प्रोटीन वाली, ज़्यादा पाउडर वाली चीज़ दे रहे हैं, उनको गैस बन रही है, उनकी लीवर ठीक से काम नहीं कर रही, उनका पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो रही, उनकी पॉटी खुल कर नहीं हो रही है, पेट में मरोड़न हो रही है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो रहा है, इसके लिए हम लोग देते हैं क्या, कैरी का पपाया, यानी कैरी का पपाया का मदर टिंचर 3 से 4 बूंद देना है 1 चम्मच पानी में, 3 से 4 बूंद 1 से 2 चम्मच पानी में मिला करके उसको मिक्स करके 2 से 3 बार दीजिएगा रेगुलर, तो किसी भी तरह की मड़ोरन, गैस बनना, पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट का फूल जाना, पॉटी ठीक से नहीं होना, पेट में मतलब
पॉलिप टाइप का निकलते रहना, ये सारी समस्या को दूर करेगी। चलिए इसी तरह का नया वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।